हमने अपने खून से ये तरसे हिंद सवारा है, क्या पूछते हो हमसे लोगों, क्या हिंदुस्तान तुम्हारा है। ये ताजमहल ये लाल किला, ये ताजमहल ये लाल किला, हद हद की गवाही देते हैं, जितना ये मुल्क तुम्हारा है, जितना ये मुल्क तुम्हारा है, उतना ये मुल्क हमारा। ये थे जनाब जावेद मोहम्मद आबादी जो अपने एहसास को पेश कर रहे थे। आइए हजरात गिरामी, अब मैं बिला तमहीद एक ऐसे हिंदुस्तान के नुमाइंदे को आपके सामने पेश करूं। ये चाय वाले भाई मेरे होते हुए आप चाय लेकर आ जाते हैं तो मुझे डर लग जाता है। थोड़ा सा बैठ जाएं, थोड़ा सा मैं कुछ काम कर रहा हूँ, महफिल को खूबसूरत बना रहा हूँ। आपने बहुत अच्छा ताउन दिया है, माशाल्लाह बड़ी खिदमत की इन्होंने मेहमानों की। आइए हजरात, चार मिसरे पढ़ता हूँ और एक शायर को बुलाता हूँ, और ये जो मिसरे मैं पढ़ने जा रहा हूँ, जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ, तो ये समझिएगा आप मैं किसी शायर को नहीं बुला रहा हूँ, बल्कि आप 2 बजे रात में अपने व्हाट्सएप पे अपनी महबूबा से बात कर रहे हैं। एसएमएस के लिए काम देगा, एसएमएस के लिए कहिए कि होठों को तेरे हम तो कंवल कहते रहेंगे। ये मत सोचिए कि अकमल कह रहा है, ये सोचिए मैं उठ के 2 बजे उठा हूँ और व्हाट्सएप खोला हूँ। उधर देखिए अपने अपनी महबूबा की तरफ, क्या होठों को तेरे हम तो कमल कहते रहेंगे, अरे चेहरे को तेरे ताजा गजल कहते रहेंगे, तू अपना हमेशा जहां समझे न समझे हम तो तुझे मुमताज महल कहते रहेंगे। या फिर ये कहें कि हम तो तिनके चुन रहे थे आशियाने के लिए, अरे तुमसे किसने कहा बिजली गिराने के लिए, हाथ थक जाएंगे क्यों पीस रही हो मेहंदी, खून हाजिर है हथेली पे लगाने के लिए। नौजवानों आपके इन एहसास और जज्बात की इस वक्त अगर कोई तर्जमानी कर सकता है तो पूरा मारूफ का एक ऐसा नुमाइंदा जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में अपने दयार का नाम रोशन कर रहा है। दोस्तों जिसने बहुत कम वक्त में कामयाबी की मंजिलों को भी तय किया है, लोगों के दिलों पे भी दस्तक दी है, वो नौजवान है, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा है जनाब परवेज कौसर का। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि परवेज ऐसा लम्हा नहीं कोई दिनों रात में जो न गुजरा हो तेरे ख्यालात में, और हमसे अरे ऐसा लम्हा नहीं कोई दिनों रात में जो न गुजरा हो तेरे ख्यालात में, और परवेज तेरी जुल्फों में जुगनू सजा दूंगा, हमसे मिलना कभी चांदनी रात में। हरे कृष्णा से काम है, अरे वाह, अस्सलाम वालेकुम आपकी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये है अंदाज परवेज कौसर का। जी परवेज भाई बहुत उम्दा। आइए हजरात, यहाँ पे बैठे बैठे अंदाजा हो गया कि आप कैसी शायरी सुनना चाहते हैं। जी बतौर खास मैं इधर उधर ना करते हुए डायरेक्ट मतले पे आता हूँ। एक मतला अभी हुआ है बतौर आज की कमेटी बड़ी खूबसूरत है, मेरे बड़े भाई नसीम अख्तर साहब के तमाम तमाम अराकिन ग्रुप को मैं सलाम करता हूँ। टाइस पे जलवा अफरोज हाजी पल्लू साहब तशरीफ रखते थे, अभी अभी रुखसत हुए, और वहीं पे मेरे बड़े भाई शकील अहमद साहब सेठ मोहम्मद चमक रहे हैं माशाल्लाह, और मेरे बड़े भाई सरफराज अहमद जो जहानागंज से अभी तशरीफ ले आए हैं, करूल बशर साहब। सरफराज भाई एक बेहतरीन चेयरमैनी पद के उम्मीदवार हैं, और शमशीर भाई फारूक साहब शाहिद साहब सैयद भाई तमाम मेरे शोरा अजीम शख्सियत है डाइस पे जलवा अफरोज। मैं एक मतलब आपके हवाले कर रहा हूं, हाजिर हाजिर मुलाजे करेंगे अकमल अजीम साहब बेहतरीन निजामत के बंसावर के वो अपने, वाह बंसावर के वो अपने घर से जब निकलते हैं, क्या कहना, वाह बहुत हाजिर कर रहा हूं। के बंसावर के बंसावर के वो अपने घर से जब निकलते हैं, सावर के
आई हजरत मैं गीत का मुखड़ा हाजिर कर रहा हूँ, बिल्कुल आपकी तशनलबी शबाब पर है जी। मैं मतलब पढ़ता हूँ गीत का बतौर खास, खास लुत्फ लीजिए, हाजिर कर रहा हूँ प्यारे सामने सामने बड़े ही मोहब्बतों से नवाजते हैं बतौर खास मतलब हाजिर है। एक बार की क्या बात है सौ बार किया है, अरे वाह क्या बात है परवेज वाह। एक बार की क्या बात है सौ बार किया है, मैंने सनम तुमसे फकत प्यार किया है। मुख्तार भाई अपनी दुआओं से नवाज रहे माशाल्लाह, इनके दिल में भी उमंग है, बड़ी जवान है बतौर खास खास। एक बार की क्या बात है सौ बार किया है, अरे मैंने सनम तुमसे फकत प्यार किया है, मैंने सनम तुमसे फकत प्यार किया है। बंदा हाजिर है गीत का बतौर खास खास के अपनी अदाओं का जादू चला कर, अपनी अदाओं का जादू चला कर, अपनी वफा की खुशबू लुटा कर, जाने तमन्ना जाने मोहब्बत, जाने तमन्ना जाने मोहब्बत, दिल को मेरे तूने बेकरार किया है। मैंने सनम तुमसे फकत प्यार किया है। खतरनाक शेर पड़े हो खुदा की कसम, शेर तुम पढ़ रहे हो और रेड कलर की लाइट मेरे ऊपर जला रहे हैं। ये तो मोहब्बत, मैं ये कह रहा हूँ अगर जलाने वालों से मेरी ये मेरा ये ऐलान है कि तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, और मुंतजिर हूँ सितारों के कभी आंख लगे चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा। ये नौजवानों को सलाम प्यार किया है। बतौर खास खास मेरे बड़े ही अजीज दोस्त जो सऊदी में मुकीम हैं अनीस अहमद गोरा गोरा, इससे पहले मुशायरा जो था उन्होंने भी बहुत धमाल मचा था। बतौर खास बंदा हाजिर, एक बार की क्या बात है सौ बार किया है, मैंने सनम तुमसे फकत प्यार किया है, दुनिया की हर रस्म और रीत तोड़ी के दुनिया की हर रस्म तुमसे फकत प्यार किया है, प्यार किया है, प्यार किया है। देखिए ये है जोड़ का तोड़। आइए मैं अपने बड़े अजीज दोस्त बड़े भाई रईस अहमद गुड्डू साहब के हवाले करता हूँ। देखिएगा बंद हाजिर कर रहा हूँ के रेशम के जैसी है जुल्फ को तीन मरतबा पढ़ना है तुमको मेरी के रेशम के जैसी है जुल्फ तुम्हारी, रेशम के जैसी है जुल्फ तुम्हारी, फूलों से तूने इन्हें है सवारी, के रेशम के जैसी है जुल्फ तुम्हारी, फूलों से तूने इन्हें है सवारी, आंखें शराबी चेहरा शर्मसार किया है। क्या कहना भाई परवेज, जवाब से फकत प्यार, प्यार, मैंने तुमसे प्यार किया है, वाह सच्चा प्यार हो जाएगा अंदाज़े, वाह परवेज बहुत बहुत जिंदाबाद। नसीम भाई तुम से कि मैंने सनम तुमसे फकत प्यार किया है, और ये भी प्यारा बन बतौर खास, फूलों से नाजुक ये तेरा बदन है, फूलों से नाजुक ये तेरा बदन है, तू खुद में एक हुस्न की अंजुमन है, दिल ये चुरा के बिजली गिरा के, दिल ये चुरा
पढ़ो मेरे भाई, प्यार किया है। शकील भाई को अपना बचपना वो दौरे जवानी याद आ रहा है। बतौरे खास मैं हाजिर कर रहा हूँ सरफराज भाई, तवज्जो का ताली बतौरे खास। के फूलों से नाजुक ये मेरा बदन है, तू हुस्न की तू खुद में एक हुस्न की अंजुमन है, दिल ये चुरा के बिजली गिरा के, दिल ये चुरा के बिजली गिरा के, तेरे नजर दिल के पार किया है। मैंने सनम तुमसे फकत प्यार किया है, प्यार और आखिरी बन बतौर खास मुलाजा करेंगे इस गीत का। अरे जाने तमन्ना ये कातिल अदाए, अरे जाने तमन्ना ये कातिल अदाए, बेताब दिल पर है खंजर चलाए, ऐ शोख दिल पर तूने तो अक्सर, ऐ शोख दिल पर तूने तो अक्सर रातों को दिल बेकरार किया है। मैंने सनम तुमसे फकत प्यार किया है, हाँ प्यार किया है। और मक्के का बन बतौर खास मुलाजा करेगा आपके हवाले डाइस भी माशाल्लाह बहुत ही बेदार है। एक बार जोरदार ताली बजा दे इस डाइस के लिए, अपने मुशायरे के लिए बहुत खूब बंद हाजिर करता हूँ। कि यूं ही न रह जाए परवेज़ ग्वारा, अरे यूं ही न रह जाए परवेज़ ग्वारा, यूं ही न रह जाए अकबल गजल की फरमाइश थी। उससे कबल मैं एक और बेहतरीन गजल सुनाना चाहता हूँ। इजाजत हो तो एक बार जोरदार ताली बजा दें बतौर खास, मैं मतला हाजिर करता हूँ। परवेज वाकई हमारा और तुम्हारा प्यार मजमे ने देख लिया, लेकिन हकीकत है कुंवारे की बात कर रहे हो, अपने भी कुंवारे की। और ये सच है परवेज भाई, पता नहीं शादी हुई कि नहीं, मेरी पता नहीं हुई कि नहीं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ शादी बहुत बड़ी चीज है परवेज भाई। इतनी बड़ी चीज है कि अगर किसी की शादी हो जाए तो नई नई शादी के बाद 5 साल तक उसका बेडरूम अगर चेक किया जाए तो उसमें क्या मिलेगा शकील सेठ साहब? खूबसूरत कमरे जैसे आपके मकान चमक रहे हैं, नक्शो निगार वाले पर्दे और सेंट की शीशी। लेकिन 5 साल के बाद फिर चेक किया जाए तो क्या मिलेगा? बाम की शीशी, पैरासीटामोल, दर्द के टेबलेट, यही सब मिलेगा जैसे शमशाद निवादी साहब को मिल रहा है। आइए वाहिए वाहिए, मुशायरा बड़ी खूबसूरत अंदाज में चल रहा है और सामईन बहुत ही बेदारी के साथ सुन रहे हैं। सभी शोरा को दुआओं से नवाजते हैं। एक मतला हाजिर करता हूं, हमारे दिल जले बहुत से ऐसे बैठे हैं और वाकई कोई शेर ऐसा होगा कि जो उनके दिलों को छू जाए। बतौर खास खान साहब मतला देखिएगा तमाम सामईन के हवाले इस स्टेज की तरफ से शमशीर भाई बतौर खास। जब अपनी मोहब्बत का, जब अपनी मोहब्बत का इको थोड़ा, जब अपनी मोहब्बत का कहता हूँ मैं अफसाना, दिल टूट गया, दिल टूट गया। जब अपनी मोहब्बत का, जब अपनी मोहब्बत का कहता हूँ मैं अफसाना, दिल टूट गया, दिल टूट गया। आँखों से छलक जाता जाता, आँखों
अच्छा लग जाता अशिकों का है पैमाना दिल तोड़ दिया छलक जाता अशिकों का है पैमाना दिल तोड़ दिया और पहला बंदा तो खास मराज करेंगे करने को आयादत तुम्हें एक बार चली आना भाई बतौर खास मराज करने हाजिर करता हूं मुलाजा करें दिल चीज है क्या तुझ पे मैं जान लुटाऊंगा सरिया वालों शेर हाजिर करता हूं बतौर खास मुलाजा करेंगे कि दिल चीज है क्या तुझ पे मैं जान लुटाऊंगा ता उम्र मेरे दिल पे तेरा साथ निभा अपना समझते थे अपना समझते थे वो निकला है बेगाना दिल तोड़ दिया और एक बन बहुत ही दर्द भरा ये शेर शायद किसी मेरे दोस्त नौजवान को छू जाए हाजिर करता मुलाजा करेंगे दिल तोड़ दिया अरे मेरा न हुआ वो जब किसी और का क्या होगा मेरा न हुआ वो जब किसी और का क्या होगा एक बार नहीं मुझको कि मैं झूठ अगर बोलूं सूली पे चढ़ा देना सूली पे चढ़ा देना शेर हाजिर करता हूं बतौर खास कि मैं झूठ अगर बोलूं सूली पे चढ़ा देना फितरत है हसीनों की दिल लेके दगा शेर बतौर खास कि परवेज़ ज़माने में ऐसे भी तो होते हैं अकमल भाई तवज्जो चाहूंगा अरे सुनो यार कि परवेज़ ज़माने में ऐसे भी तो होते हैं महफिल में जो हंसते हैं तन
का है, जब वो अपनी मोहब्बत का कहता हूँ मैं अफसाना, दिल तोड़ दिया, दिल तोड़ दिया। अकमल साहब एक फरमाइश थी, कई लोगों ने फरमाइश किया था, एक मतलब चंद शेर में उसका पढ़ देना चाहता हूँ, और अगर अच्छा लगे तो मेरे मतलब पे ताली बजा दीजिए, मैं समझूंगा कि वाकई आप सुनने के मूड में हैं। बतौर खास खास जी साथ, ओ बेवफा तू, सुनने के मूड में हैं, इतना बता दे दिल मेरा अपने दिल में बसाओगे हमको और गले से लगाओगे हमको, हम नहीं इतने प्यार के काबिल, तुम तो पागल बनाओगे हमको। वाह, रातों को मेरी नींद उड़ाकर चली गई, सोया था गहरी नींद जगाकर चली गई, पूछा जो मैंने ख्वाब, पूछा जो मैंने चांद निकलता है किस तरह, रुख से नकाब अपने हटा कर चली गई। वाह, ओ बेवफा तू इतना बता, दिल मेरा क्यों तोड़ दिया, देख के गुरबत मेरी तूने साथ निभाना छोड़ दिया। और हुस्ने मतलब बतौर खास एवन मुशायरा इरफान भाई आप हवाले से हाजिर करता हूँ, मुलाजा करेंगे कि मेरी खातिर उसने भी अब छत पर आना छोड़ दिया, कि मेरी खातिर उसने भी अब छत पर आना छोड़ दिया, छोड़ के जाने वाले मुझे को प्यार की राहों में तन्हा, छोड़ के जाने वाले मुझे को प्यार की राहों में तन्हा, रे देख ले देख ले मैंने।
शेर बतौर खास मुलाजे करते हैं, जल्दी जल्दी ये सफर पूरा करते हैं। शोराए किराम की फेरिस्त बड़ी तवील है और एक से बढ़कर एक अनमोल नगीने हमारे डाइस पे जलवा फरोज है। बतौर खास मतला हाजिर करता हूँ, शेर हाजिर करता हूँ कि कोमल जैसा तेरा बदन शेर बतौर खास मक्ता कि मेरे रकीबों अब ऐसे ना अकमल को बदनाम करो, मेरे रकीबों अब ऐसे ना तुम मुझको बदनाम